अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, एक नए एपिसोड के साथ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। और प्रोग्राम हम और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। वीवर्स, एक बहुत अच्छी बात मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि आप परेशानी के मौके पे मजाक और ख़ुशी के मौके पे ताने देना बंद कर दें, क्योंकि ये आपके रिश्तों में दरार पैदा करती है। ये वाली चीज़ आपके रिश्तों के ख़त्म होने की वजह भी बन सकती है। बाज़ औक़ात आप किसी के साथ एक ऐसा मजाक कर जाते हो, आपके लिए तो वो मजाक होता है लेकिन उससे उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, उसकी आपके बारे में परसेप्शन चेंज हो जाती है। मजाक मजाक में हम किसी का दिल तोड़ जाते हैं, अपने रिलेशन्स को ख़त्म कर लेते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, अक्सर लोग मजाक, यार मैंने तो मजाक किया था, बट आप रियली मीन कर रहे होते हैं उस बात को। आपके जहन में किसी के बारे में वो चीज़ चल रही होती है और आप उसे वो बोल देते हो, बेशक मजाक में बट यू मीन, तो वो उससे उसके दिल में आपके लिए जगह थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। और अक्सर लोग मजाक कर तो लेते हैं लेकिन मजाक को सहने की उनमें हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे लोगों की ना मुझे समझ नहीं आती कि क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों के साथ, वो लोग मजाक सहने की भी हिम्मत पैदा करें। और तीसरी चीज़ ये कि आप लोग किसी का मजाक में दिल ना तोड़ें, मजाक सहें और मजाक भी करते रहिए लेकिन बहुत लाइट सा। आइए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हम लोग भी आज लोगों के साथ मजाक करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरे किसी मजाक से किसी का दिल ना टूट जाए। वैसे यंग स्टूडेंट्स बड़े तेज़ हैं, वो मेरे साथ मजाक करते हैं और मेरा तो दिल नहीं टूटता, क्योंकि मुझे पता है मैं शो करने के लिए आई हूँ और मजाक हंसी मजाक चलता है और लाइट लेते हैं हम इन चीज़ों को। एक शो था, डेली लाइफ की बात कर रही हूँ, आपकी डेली रूटीन की बात कर रही हूँ, आपके जिनके साथ पर्सनल रिलेशन है उनकी बेसिकली मैं बात कर रही थी। आए चलते हैं जी, रिफा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। रिफा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में क्या क्या टैलेंट्स हैं वो हम जाँचने की कोशिश करते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अस्ना नदीम। अस्वा? अस्ना। अस्ना, अस्ना भी वैसे न्यू नाम है, कोई मतलब पहली दफ़ा मैंने सुना है, क्या मतलब है इस नाम? इसका चमकना, बुलंदी की तरफ जाना। चमकना, बुलंदी की, कितनी बुलंदी की तरफ चली गई? बुलंदी अल्हम्दुलिल्लाह रिफा में एडमिशन सिक्योर कर लिया, इससे ज़्यादा बुलंदी की यानी क्या बात है। और इससे बढ़ के आपकी यूनिवर्सिटी की तारीफ क्या हो सकती है, ये कहना जी। आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या रूटीन चल रही है आजकल? रूटीन कुछ ऐसी है कि एग्ज़ाम्स हमारे मिड टर्म करीब हैं दिसंबर में, सो साथ साथ ब्लॉगिंग भी मैं कर रही हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ जिसमें ये रूटीन है हमारी कि अभी हमारी लेक्चर्स हो रही हैं, लैब्स वगैरह हो रही हैं और 4 o'clock ऑफ हो जाता है। ब्लॉगिंग क्या करती हैं? ब्लॉगिंग लाइफस्टाइल ब्लॉगर है मेरा, लाइफस्टाइल ब्लॉग है मेरा, स्टाइल ब्लॉग है आपका। आप मुझे ये बताओ कि वो कौन है जो खुद तो अंधेरे में रहता है लेकिन दूसरों के लिए रोशनी पैदा करता है? जुगनू। खुद तो अंधेरे में रहता, उल्लू। खुद तो अंधेरे में रहता है लेकिन दूसरों के लिए रोशनी पैदा करता है। नो आइडिया, नो आइडिया। ओके, आपसे मैं एक बात पूछ लेती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आप दूसरों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा करते हो? और कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने आपके साथ मजाक किया हो और आप उसे बहुत सीरियस ले गए हो? जी हुआ है ऐसा काफ़ी बार, यूनिवर्सिटी लाइफ है तो इतना यानी होता रहता है, लाइक फ्रेंड्स वगैरह मजाक करती रहती हैं लेकिन बर्दाश्त इंसान को करनी चाहिए, फिर इंसान आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अच्छा वो मजाक बताओ, ऐसा क्या मजाक था? मजाक ये था कि हाँ एक बार मैं सो रही थी तो हमारा 8 o'clock एग्ज़ाम था, नहीं हमारा 11 बजे एग्ज़ाम था, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल कर ली कि आज 8 बजे एग्ज़ाम है, जल्दी आओ जल्दी आओ, यानी फिर जल्दी आना पड़ा और पता चला कि प्रैंक है, मेरे साथ प्रैंक हुआ है। फिर क्या कैसे रिएक्ट किया आपने? वैसे ये काफ़ी क्या कहेंगे कि कैसा मजाक था, फजूल सा? वैसे बहुत बुरा मजाक था क्योंकि मैंने यानी आपको पता है सुबह उठ के रिवाइज करना पड़ता है अपने आप को सेटअप करके, यानी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन मैं ऐसी बस आ गई कि बस पेपर देना है बस, फिर मैं आ गई। ऐसे ही आ गई आप, फिर आपको पता लगा कि नहीं है तो फिर कैसे रिएक्ट किया आप? फिर रिएक्शन मेरा बुरा था लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बस मैं वो हमारा मजाक बर्दाश्त करते हैं, हम उनका करते हैं। हाँ फिर ये बात हो जाती है ना कि कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो खुद तो बहुत मजाक करते हैं लेकिन जब उनसे मजाक किया जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो लड़ने पर आ जाते हैं, लिटरली वो लड़ना शुरू कर देते हैं। आपके ऐसे कोई दोस्त हैं?
जी हाँ जी, बहुत, यानी मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो काफ़ी बढ़ा हुआ मेरा फ्रेंड सर्कल। मैंने ये पूछा मैं पूछ रही हूँ कि आपके साथ कोई ऐसा दोस्त है? आप तो, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। वही कह रही हूँ ना, आप आदत हो चुकी है मजाक बर्दाश्त करने की। चले फिर आपसे एक सॉन्ग सुन लेते हैं सबसे पहले, लेकिन आप रेसिपी शेयर कीजिए। रेसिपी मैं गोल्ड केक की करना चाहूँगी। कर लीजिए, शेयर कीजिए, सामने देखिए और शेयर कीजिए एक रेसिपी केक की। और दूसरा ये सुनाएंगी एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना। तो चलें जी, ये दोनों चीज़ें शेयर करने लगी हैं, आप लोग देखते हैं। सो मैं गोल्ड केक की मैं रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें ये है कि सबसे पहले आप मैरी बिस्किट या कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट्स लें, उनको अच्छी तरह श्रेड वगैरह करके ग्राइंड जो भी आपने करना है वो कर लें। उसे फिर आपने उसके अंदर मेल्टेड बटर डाल के अच्छी तरह, जो भी आपने पैन लिया या कोई डिश लिया उसके अंदर अच्छी तरह टैप कर लें, उसकी एक लेयर बना लें। उसके ऊपर क्रीम चीज़ आप डाल दें विप करके, या फिर विपिंग क्रीम है तो आप वो डालें, ठीक है। और बाद में ऊपर स्ट्रॉबेरी सीरप, एप्पल का एप्पल सीरप, या जो सा आपको फ्रूट वगैरह फेवरेट लगता है, या चॉकलेट सीरप, इस तरह, या ओरियो चीज़ केक भी आप इस तरह बना सकते हैं। बहुत ही यानी इजी है, और आप यानी किसी भी यानी गेस्ट वगैरह के आने पे फौरन आप ये बन जाती है। चलिए जी, अब आप गाना सुनाने वाली हैं। जी, रब रब करता तू बंदे आ आ आ आ आ, कुछ भी नहीं कर ले रह गया आ, चल कदम आगे तू बढ़ा ले जंजीरों के, ढूंढ ले अपनी ये लड़ी जंजीरों की, चल मुसाफिर मुसाफिर, तू तो पता एक सूरज मुसाफिर, मिट्टी को बना सोना, चल मुसाफिर मुसाफिर, तू तो पता एक सूरज मुसाफिर, मिट्टी को बना सोना। अच्छा, गायक और गाएंगी? इंग्लिश सॉन्ग शेयर करूँगी। सो ये है एली गोल्डिंग का है ये सॉन्ग, लव मी लाइक यू डू। You're the light, you're the night, you're the color of my blood, you're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. The here, I don't care, you'd never be so high. Follow me to the dark, let me take you past the satellites. Never know that you can be so high, so high. So love me like you do, love, love, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What you waiting for? Fading in, fading out, over edge of paradise. Every inch of your skin is the holy grail I got to find. Only you can set my heart on fire, on fire. Wow! बहुत अच्छा गाना गाया आपने। आपसे वैसे भी बात करके बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या नाम है? मेरा नाम राना जलील अहमद है। मेरा नाम मोहम्मद अवैस। आप दोनों भाई हो? नहीं, हम भाई नहीं हैं, हम दोस्त हैं, पर हम भाइयों की तरह रहते हैं पूरी यूनिवर्सिटी में। मतलब अक्सर हम ट्विनिंग ही करते हैं कपड़ों की, फ्रेंड्स हैं, बट फ्रेंड्स नहीं, भाइयों की तरह हम रहते हैं। बिल्कुल, दोस्तों से बढ़ के हो, भाइयों की तरह हो। अच्छा, आप हमेशा ही सेम ड्रेसिंग करते हो इस तरह जिस तरह से आज आपने की हुई है? नहीं, रैंडम दिनों में करते हैं, कभी कभी। ठीक है जी। आज आपको पता था कि हम आ रहे हैं, तो इसलिए शायद ये स्पेशली? बिल्कुल हमें नहीं पता था, हम तो अपनी क्लास ले रहे थे, तो बस जा रहे हैं, अभी क्लास हुई है। तो अगली सेमेस्टर कौन सा चल रहा है? फिफ्थ सेमेस्टर जा रहा है। सेमेस्टर के दोस्ती को कोई ढाई साल होने वाला है? नहीं, दोस्ती को हमारा 14 साल हो गया। 14 साल दोस्ती को। कहाँ बने थे आप लोग दोस्त? हमारा डिस्ट्रिक्ट है ननकाना साहिब, ठीक है, वहाँ पे हम दो डिफरेंट स्कूल्स में होते थे, और कंपटीशन होता था स्कूल्स का ना, स्पीच कंपटीशन। ये अपने स्कूल का टॉपर था, मैं अपने स्कूल का टॉपर था, तो वो जब एफएससी तक ये काम चलता रहा। जब एफएससी के बाद हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मुझे पता चला कि ये मेरा वो मेट है ना, तो फिर हमारी वहाँ से ज़्यादा अच्छी दोस्ती हुई, पहले हमारी इंटरेक्शन, उसके बाद बॉन्डिंग फिर ऐसी हुई कि हम फ्रेंड्स थे पहले तो, लेकिन फिर भाई बन गए हम। एब्सोल्युटली मोर देन ब्रदर थे हम तकरीबन। आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, आप मुझे बता दो कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3 लाख। कैलकुलेशन कर ली। क्या मैं बताता हूँ? नहीं, 3,9,999 नहीं, सेकंड बहुत कम होते हैं, बहुत कम सेकंड्स होते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सेकंड्स वो वाले नहीं, कैलकुलेशन वाले नहीं है, ये कोई और क्वेश्चन है।
तो आप कह रहे दिमाग काम कर रहा है ना. मैंने कहा है कि बहुत कम होते हैं, तो आप इससे मुराद लें कि कितने कम होते हैं और कौन से हो सकते हैं. अच्छा, सेकंड्स बहुत कम होते हैं. आप कहीं पल तो नहीं पूछ रहे वो वाले. क्वेश्चन रिपीट करिएगा. एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं. मेरा तो माइंड पल की तरफ जा रहा है, कितने अच्छे पल होते हैं. तो पल की तरफ नहीं है, सेकंड्स की हम बात कर रहे हैं. पूछ तो आप कैलकुलेशन है. आई थिंक 6,900 and something. No. अच्छा चलिए छोड़े. आप मुझे बता दें कि वार्षिक डैम किस दरिया पर बनाया गया. स्टूडेंट हो ना तो जनरल नॉलेज है ना वो कमजोर है. हम डॉक्टर्स हैं, हमारे मेडिकल का पूछ लिया. मुझे मेडिकल का क्या पता, मैं कौन सी डॉक्टर हूँ. चले जी, आप इंटरनेट बेस्ड कोई भी चीज पूछ लें. आपसे ना गाना सुन लेते हैं, क्या ख्याल है. मेरा भाई सुनाएगा आपको. भाई सुनाएगा. ठीक चले मैं सुना देता हूँ. आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है. आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है. मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं, दम निकलता नहीं है. बस इतना ही. मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा कर संभलते हैं, लेकिन तेरी नजरों का जो जाम पी ले, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं है. तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं है. आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है. थैंक यू. बहुत अच्छा गाना गाया है आपने. आपके लिए गिफ्ट है, ये लीजिए जी. अलाफिस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका. हुरैरा सफदर. हुरैरा, आप मुझे ये बताओ कि कैसी चल रही है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ. मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है. अभी हम लोगों का फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और क्या कहते हैं, हम लोगों का ओपन हाउस भी आजकल स्टार्ट हुआ है. ओपन हाउस मतलब ये क्या. ओपन हाउस होता है मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि रिफा में जो है ना ओपन हाउस वो 13 और 14 नवंबर को है. इसमें ये होता है कि जो न्यू एडमिशन आती होते हैं ना हम लोगों के पास, उनको हम लोग गाइड करते होते हैं, ठीक है, उनकी काउंसलिंग करते होते हैं. तो जिनके ऑन स्पॉट एडमिशन भी अवेलेबल होते होते हैं और मतलब थोड़ा सा फन पार्ट हो जाता है कि उनकी रैगिंग भी हो जाती होती है. उनकी रैगिंग करते हो जो नए स्टूडेंट्स होते हैं. हाँ थोड़ी सी, क्योंकि रिफा आपको पता है इतना अलाउ नहीं है. लेकिन रिफा में ज़्यादा अलाउ नहीं है, लेकिन मतलब रिफा के रूल्स हैं ना थोड़े से इस लिहाज से. आप मुझे ये बताओ कि आप उन लड़कों में से हो जो किसी के साथ मजाक करते हैं और फिर जब खुद उनके साथ होता है तो सहते भी हैं. नहीं. आपके फ्रेंड्स ने कहा है नहीं नहीं नहीं. नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं मतलब मुझे थोड़ा सा ना मैच्योर बिहेवियर अच्छा लगता होता है. मतलब ये है कि मैं फ़न करता होता हूँ लेकिन फिजिकल एक दूसरे के साथ ना मुझे अच्छा नहीं लगता मुँह से मजाक करना. आप मुझे बताओ कि मजाक आप करते हो अपने दोस्तों के साथ. हाँ जी. तो खुद सह लेते हैं जब वो आपके साथ करते हैं. नहीं सहते क्योंकि आपके सारे दोस्त लगे हुए हैं. नहीं 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 ये नहीं सहता. आपके दोस्तों से वैसे खैर पूछेंगे कि ऐसा कौन सा आपने मजाक किया था जो ये सह नहीं सके थे. आप ही बता दें. मतलब मेरा दोस्त है ये दिलीप, काफ़ी अच्छा दोस्त है और कभी कभार हमारी लड़ाई हो जाती है आपस में. मतलब ये मुझे ना बैठे बैठे से हिट कर देगा थोड़ा सा, तो मैं ऐसे गुस्से होने लग जाऊँगा कि यार जगह का थोड़ा ध्यान रख ले यहाँ पे बैठे, बस इस तरह की थोड़ी नोक झोंक. आपसे एक पूछ लेती हूँ पहेली. पहेली ये है कि एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं. एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं. 365 तो आप मे बी 12 से डिवाइड करेंगे और फिर मतलब सोच लें कितने सेकंड. दोबारा रिपीट करें. एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं.
एक साल में कितने सेकंड होते हैं? नहीं आ रहा। चलें फिर आप क्या शेयर करेंगे? मैं सॉन्ग्स में आ रही थी। खुद से ही करके गुफ्तगू, कोई कैसे जिए, इश्क तो लाजमी सा है जिंदगी के लिए, दिल क्या करे दिल को अगर अच्छा लगे कोई, झूठा सही दिल को मगर सच्चा लगे कोई, जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा। मीठी आवाज़ थी आपकी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, कह दिया तो कह दिया हमने तुमको जिंदगी, कह दिया तो कह दिया। शिकवा भी क्या करते हम, कहाँ के सच्चे थे, अखियों ने क्यों अखियों से बांधा है यूं यूं अशकों से। सो व्यूअर्स, आज हम रिफा यूनिवर्सिटी में हैं, स्टूडेंट के साथ गपशप चल रही है, और जो मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी वो ये थे कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, यही क्वेश्चन मैं बहुत से स्टूडेंट्स से पूछूंगी और देखूंगी कि कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर कर पाते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। क्या करते हैं, कौन से सेमेस्टर में हैं, पढ़ क्या रहे हैं? रिफा यूनिवर्सिटी से हूँ, फॉर्म डी कर रहा हूँ, फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ। सेमेस्टर में है, कैसे चल रहा है आपका यूनिवर्सिटी का सफ़र? अभी तक तो बहुत ऑसम जा रहा है। ऑसम? ऐसा क्या ऑसम जा रहा है यूनिवर्सिटी में? वैसे तो यूनिवर्सिटी का सारा टाइम ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा क्या ऑसम जा रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट माई फ्रेंड्स एंड सेकेंडली माई बिलव्ड टीचर्स, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की मेरी। या बड़ी किताबी बातें बोल रहे हैं आप। आप मुझे ये बता दीजिए कि वार्षिक डैम किस दरिया पर बनाया गया है? बस हमें समझ नहीं लग रही कि किस दरिया पर बनाया गया है, तो हमने सोचा आपसे पूछ लेते हैं। ऊपर बनाया गया और कहाँ पर बनाया गया? यार वार्षिक डैम किस दरिया पर बनाया गया है? दरिया झेलम, दरिया चनाब, दरिया सतलुज, दरिया रावी, आई डोंट नो। ठीक है, बट आपको ये पता है कि चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर्स होते हैं? आई थिंक सो 36। नो, बिकॉज़ आई एम नॉट द प्लेयर ऑफ दैट, आई एम क्रिकेटर एंड अ लिटिल बिट बैडमिंटन प्लेयर। ओके, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि शेर व शायरी से लगाव है आपको? जी बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? हम ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, कह दिया तो कह दिया हमने तुमको जिंदगी, कह दिया तो कह दिया, तुम्हारे बाद ये दिल लगना है मुश्किल, सोच हो तुम आखिरी, कह दिया तो कह दिया। और एक चाय पे महबूब साथ हो, महबूब साथ हो, चाय हो और चाय भी महबूब के हाथ की। क्या बात, थैंक यू। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? सुहेब अशरफ। सुहेब, सुहेब क्या, कौन से सेमेस्टर में हो, कैसी चल रही है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ? जी मैं एलईडी सेकंड सेमेस्टर में हूँ और यूनिवर्सिटी लाइफ माशाल्लाह बहुत बेहतर जा रही है, और जितना मज़ा यूनिवर्सिटी में आता है शायद ही दोबारा इन दिन को याद करेंगे हम। ये दिन, ये पल याद आएंगे। आप मुझे ये बताइए कि कभी आपने किसी के साथ ऐसा मजाक किया हो कि उसकी लाइफ में वो सीरियस अफेक्ट की हो वो चीज़?
जी आम लाइफ में तो ऐसा होता है अक्सर, तो किया था एक दफ़ा। कैसा मजाक था बताइए? थोड़ा सीरियस टाइप का मजाक। और बताइए बताइए कैसा सीरियस था? जी बहुत मतलब गहरा मजाक था और उसने दिल पे लिया था और उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई और उसके बाद बातचीत ख़त्म हो गई हमारी। रोए थे आप फिर? जी रोना तो आता है ज़िंदगी में, ज़िंदगी है इंसान, रोना आम होता है इंसान। कई लोग ना ऐसे होते हैं कि पहले खुद तो मजाक कर लेते हैं लेकिन उनके उनमें मजाक सहने की हिम्मत नहीं होती। जी वो मेरे जैसे होते हैं। आपके जैसे होते हैं? अच्छा क्यों होते हैं ऐसे? लाइक अगर आप किसी के साथ मजाक करते हो आप में हिम्मत होनी चाहिए ना कि आप भी बर्दाश्त कर सको उस मजाक। नहीं वो बचपन से जैसा माइंड बन जाता है बंदे का फिर वैसे। इसमें बचपन क्या, बचपन कहाँ आता है? जैसा बंदे का माइंड होता है फिर उसी हिसाब से चलना पड़ता है, फिर दुनिया ऐसा तो होता रहता है फिर। दुनिया है ऐसा तो होता रहता है, ये तो दुनिया दुनिया। चलें जी आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। टंग ट्विस्टर ये है, आजकल आज परसों कल आज कल परसों कल कल, ये आपने मुझे बोल के दिखाना है। टंग ट्विस्टर का मतलब पता है क्या होता है? यस मैम। क्या होता है कल? दोबारा रिपीट कर दें। आजकल कल परसों कल आज कल परसों, आजकल कल परसों कल आज कल परसों, आजकल कल परसों परसों आज कल परसों, आजकल कल परसों कल परसों परसों आज, आजकल कल परसों परसों। आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि वार्षिक डैम किस दरिया पर बनाया गया था? वार्षिक डैम दरिया रावी। आपने देखे दरिया रावी पे कोई डैम? दरिया सेन मेरे माइंड में नहीं है। एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? एक साल में काफ़ी होंगे नहीं फिर भी। अब ये तो कोई मशीन ही बता सकती है। या अल्लाह इन स्टूडेंट्स का क्या करें, कहाँ है इनका दिमाग, किन सोचों में घूम रहते हो आप? मैं बस कुछ नहीं। ठीक है जी, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान सिंह। रमजान, आप मुझे ये बताइए कि कैसे गुजर रहा है आपका यूनिवर्सिटी का सफ़र? बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा है। बेसिकली पहले ऑनलाइन रहा है तो अभी फिजिकल हुआ है, तो अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, होपफुली आगे भी। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? ओके। आप मुझे ये बताओ कि वार्षिक डैम किस दरिया पर बनाया गया? काबुल डैम। दस बड़े पढ़े लिखे हैं, वैसे तो यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों को होना चाहिए, उन्हें आना चाहिए सब कुछ, लेकिन किसी ने भी इस काम से नहीं किया था। आप ये मुझे बता दो कि चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर्स होते हैं? इस पे चेस बोर्ड, चेस होती है ना गेम, उसकी बोर्ड होता है, उस पे कितने स्क्वायर्स होते हैं? मैं चेस गेम पसंद नहीं करता। आप पसंद नहीं करते, देखी भी नहीं है कभी? देखी हुई है। तो फिर अंदाजन? अंदाजन 12। पता नहीं ये जिन्होंने चेस बोर्ड देखा है उसके बाद भी उनके अंदाजे इतने गलत क्यों हैं, उनका दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा। आपको ये पता है कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? नो नहीं पता, सोचना ही नहीं है। सोच चलो बता दो कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? म्यूजिक। म्यूजिक, गाने कितने सुनाने वाले हैं आप हमें? दो से तीन गाने तो सुनेंगे आज हम। चलें सामने देखिए और गाने सुनाइए। शिकवा भी क्या करते, हम कहाँ के सच्चे थे, अखियों ने क्यों अखियों से बांधा है यूं यूं अशकों से, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। वाओ। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां।
टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, टंग ट्विस्टर है, कल आज कल परसों, आज कल आज परसों, ये आपने मुझे बोल के दिखाना है। क्या? कल आज कल परसों, आज कल आज परसों, कल आज कल, आज कल परसों, आज कल कल परसों, कल आज आज 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 परसों। ठीक है जी, रिम्पा यूनिवर्सिटी की तरफ से ये गिफ्ट है आपके लिए, ये लीजिए। लाफिस व्यूअर्स, स्टूडेंट्स के साथ चिट चैट का, गपशप का सिलसिला जारी है, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। कल आज परसों, आज परसों, कल परसों, जो भी है बोलते जाए। कल आज परसों, आज परसों, कल कल आज परसों, कल परसों आज कल, कल परसों आज कल, कल आज कल परसों, आज कल कल परसों, कल आज आज परसों, आज कल कल परसों, कि कल आज कल आज तब्दील होते जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। आइए कुछ स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे हम बहुत बहुत ही एक आसान सी पहेली पूछते हैं, और वो पहेली ये है कि वो कौन है जो दूसरों के लिए तो रोशनी पैदा करता है लेकिन खुद अंधेरे में रहता है। आप लोगों को कुछ समझ आया कि आखिर ये क्या था? नहीं आया तो आइए देखते हैं उन्हें, यानी कि स्टूडेंट्स को समझ आता है कि नहीं आता, लेकिन इसका आंसर तो मैं आपको प्रोग्राम के एंड पर ही दूँगी। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम मालिक। वसीम, क्या करते हैं आप, कौन से सेमेस्टर में हैं, कैसी चल रही है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ? माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रही है। मैं तीसरे सेमेस्टर में डीवीएम गम में कर रहा हूँ, और यहाँ पे ओपन हाउस होने वाला है आजकल, तो उसकी तैयारियाँ जा रही हैं। ओपन हाउस मैंने पहले बात की थी, उन्होंने बताया था इस तरह से, तो आपकी उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए हमारी ज़बरदस्त तैयारी, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और जो न्यू बच्चे आएंगे उनको हम उनके बारे में, उनके फैकल्टीज़ के बारे में, यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ के बारे में, उनके स्किल के बारे में बताएंगे, और हम उनको बताएंगे यहाँ पे क्या क्या यूनिवर्सिटी उनको पैकेजेस दे रही हैं, और क्या क्या उनको यहाँ पे फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग उनको गाइड करेंगे, और उनको यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे कि आपने रीफा नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, रीफा नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। आप मुझे ये बता दीजिए कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? जी, एक साल में 12 सेकंड होते हैं। ज़बरदस्त। अब आप लोगों को पता लगा कि इसका आंसर क्या था, सेकंड किस तरह से बने ये सेकंड? जैसे फरवरी में 2 सेकंड फरवरी को, और 2 आगे सेकंड वो आ गया मार्च को, अप्रैल को, मई को, 2-2 सेकंड, इस तरह 12 सेकंड होते हैं ईयर में। ठीक है, 12 महीने होते हैं तो 12 महीनों में 12 ही सेकंड्स होते हैं। अच्छा, वो सब स्टूडेंट्स इसको गलत समझ रहे थे कि पता नहीं मिनट्स और सेकंड्स, वक्त की बात कर रही हूँ मैं। आप मुझे ये बताओ कि जो वार्षिक डैम है वो किस दरिया पर बनाया गया है? दरिया सतलुज। चेस, ओ, चेस बोर्ड के कितने स्क्वायर्स होते हैं? 3। चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं? सॉरी, 2 होते हैं इसके। 1 नहीं होता? नहीं, एक ही स्क्वायर। एक होता है असली, हम लोग यहाँ मेडिकल स्टूडेंट हैं और मैथ वगैरह नहीं हम लोग पढ़ते, तो इसलिए। चेस आपने कभी गेम होती है, चेस बोर्ड आपने कभी नहीं देखी? गेम के बारे में हमें इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए। चेस बोर्ड आपने कभी नहीं देखा? चलें जी, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है कि आपने नहीं देखा होता, कोई गेम का नहीं भी पता होता। आप शेयर क्या करोगे? शेयर में यही करूँगा कि आज की नौजवान नस्ल है वो मोबाइल पे लगी रहती है, तो उनको चाहिए। मोबाइल पे? जी जी, जैसे हम लोग भी लगे रहते हैं सारी सारी रात, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। सारी सारी रात मोबाइल पे, मोबाइल पे लगे रहते हैं जी, बाकी आप समझ गए कि क्यों लगे रहते हैं। मैं नहीं समझ रही, मुझे बताइए हम मोबाइल पे क्यों लगे रहते हैं सारी सारी रात? आजकल का दौर इस तरह का है, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर एक एक आदमी की, अब मेरे दोस्त हैं उनकी 3-3 4-4 GF है, आप मैं सिंपल लफ्ज में बताता हूँ, तो उनको टाइम देने के लिए मोबाइल पे तो लगना पड़ेगा। टाइम देना होता है तो मोबाइल पे तो लगना पड़ेगा। ये जो टाइम है वो सारा GFs ले जाती हैं। GF ले जाती है, घर वालों के लिए भी उनके लिए टाइम नहीं होता, उनके पास वो दिन होता ना घर वालों के लिए। जी जी, दिन में वो यूनिवर्सिटी, फिर धक्के इधर की उधर की, इधर उधर।
धक्के धक्के खाते रहते हैं। ओके आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ, कल आज परसों, ये आपने मुझे बोल के दिखाना है। कल आज परसों कल परसों जो भी है बोलते जाए। कल आज परसों कल परसों आज कल परसों आज कल। रुकना नहीं है, आपने बोलते रहना जब तक मैंने आपको रोकना नहीं है। दोबारा बताइएगा। कल आज परसों। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज के लिए जीत गए डिफाई यूनिवर्सिटी की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए। उन्होंने कहा कि हमारे स्टूडेंट बड़े अच्छे हैं, इन्हें गिफ्ट दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। क्या कौन से सेमेस्टर में हो? थर्ड सेमेस्टर में हूँ, यानी कि अभी आपको यूनिवर्सिटी में एक साल हुआ है हार्डली। कैसा गुजरा आपके यूनिवर्सिटी का सफ़र? बहुत थका गुजरा है। थका क्यों? क्योंकि ऑनलाइन हो गया था ना, यूनिवर्सिटी को इंजॉय नहीं कर पाए। यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या इंजॉयमेंट होती है बताइए ज़रा देखने वालों को, जो लोग नहीं यूनिवर्सिटी में आए उन्हें भी तो पता लगे कि कौन सी इंजॉयमेंट है यूनिवर्सिटीज़ में। एक्टिविटीज़ कोई होनी चाहिए, एक्टिविटी नहीं थी लाइफ में। आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ, कल आज कल परसों, ये आपने मुझे बोल के दिखा। कल आज कल परसों। कि कल आज तब्दील होते जा रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, ठीक है फिर चेंज आना चाहिए तो लाएं चाहे चेंज लाइफ में, आपने इस इंटरव्यू में लेके आना है चेंज। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ ली, सबने देख लेना तो इसलिए सबको बता रहा हूँ, चेंज लाओ। चेंज लेके आए टंग ट्विस्टर में, चेंज लेके आए जिंदगी में, फिर भी आपको चेंज नहीं आना। नहीं, जो जो देखेगा चेंज आएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो दूसरों के लिए तो रोशनी पैदा करती है लेकिन खुद अंधेरे में रहती है? जुगनू रोशनी पैदा करती। कौन सी चीज़ है यार, जुगनू हो गया, जुगनू रात को लाइक लाइट नहीं है, कोई जानदार नहीं है। चलें फिर आप इस तरह कर लें, लाइट कर लें, चांद मिलता जुलता ही है, लाइट से मिलता जुलता है, लाइट से मिलता जुलता है, एनर्जी से वो गर्ल। आप शेयर क्या करेंगे, गाना सुनाएंगे? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था और आज हम रिफा यूनिवर्सिटी में थे। स्टूडेंट्स ने बहुत मज़े की चटपटी बातें की। आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हो तो उनके स्टूडेंट्स में बहुत से टैलेंट्स होते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन है, गाने शाने शायरी, तो ये सब हुआ, ये आप लोगों ने देखा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे, हमेशा की तरह मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताती चलूँ। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो कौन है जो खुद तो अंधेरे में रहता है लेकिन आपके लिए रोशनी पैदा करता है? वो है चिराग। चिराग आपके लिए रोशनी पैदा करता है और ख़ुद वो अंधेरे में रहता है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि जो वार्षिक डैम है वो कौन से दरिया पर बनाया गया है? मुझे लगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्या, ये मुश्किल क्वेश्चन तो थे, लेकिन शायद इनको आंसर आ जाए, लेकिन इनको नहीं आया। और इसका आंसर था काबुल दरिया है, उस पर ये वार्षिक डैम है। ये एक इंफॉर्मेटिव सी चीज़ है, आप लोग भी याद रखिएगा। एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? एक साल में टोटल 12 सेकंड्स होते हैं, जैसे कि 2 जनवरी, 2 फरवरी, मार्च, 2 मई, 2, तो ये सारा अगर आप महीनों का देखेंगे तो 2 12 बनते हैं। और इतने फनी आंसर सुनने को मिले कि कोई भी इस साइड पर नहीं आया बच्चा कि ये भी हो सकता है। और जो चेस बोर्ड होता है उस पर 64 उसके स्क्वेयर्स होते हैं, 4 या 5 स्क्वेयर्स नहीं होते। तो ये सवालात के जवाब थे। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जासबा मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ढेरों ख्याल रखिए, अपनी हिफाजत कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।